समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में संभल, बागपत, नोएडा, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर उम्मीदवारों की बात करें तो संभल से शफीकुर रहमान वर्ग के पोते जियाउर रहमान वर्ग, घोसी से राजीव राय, बागपत से मनोज चौधरी, पीलीभीत से भगत सरन गंगवार, मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह विंद, नोएडा से राहुल अवाना को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले सपा की ओर से जारी की गई लिस्ट में 7 नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसबीर वाल्मीकि, लालगंज से दरोगा सरोज को मौका दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को उतारा है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कैराना और बरेली लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों को बदल दिया है। वहीं बागपत सीट से आरएलडी ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया है। बागपत सीट को आरएलडी का गढ़ माना जाता है। पहले सपा के साथ गठबंधन में रहने के दौरान भी यहां से राष्ट्रीय लोकदल अपना उम्मीदवार उतारता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।